सब्सक्राइब कीजिए ए न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ जिले संगारेड्डी मोगड़मपल्ली मंडल में ईदगाह की हदबंदी की गई तफसलत के मुताबिक मोगड़मपल्ली मंडल के माड़गी गांव सरपंच नुमाइंदा अरशद जमा पटेल ने ईदगाह की हदबंदी एक लाख रुपए मालियत लागत से की जो अपनी जतीी रकम से इस ईदगे की हदबंदी की और इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील की गांव के खबरस्तान की बाउंड्री के लिए फ़ंड जारी करें और इस मौके पर हादी पटेल अजमल पटेल तई पटेल के अलावा गांव के मुकामी लोगों ने शिरकत की जहराबाद से मोहम्मद इम्तियाज़ की ये रिपोर्ट अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मौजी जिक्राम आज मौजे माड़गी मोड़मपली मंडल जहीराबाद में ईदगे की हदबंदी का काम तकमील किया गया है इसके माड़गी के सरपंच की निगरानी में उनके ज़ाती ख़र्च पर इस काम का अंजाम दिया गया है और इसमें टाइम देने वाले अपना वक्त कीमती देकर जो भी हजरात यहाँ पर काम करे हैं उनका ते दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इसके साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि ये काम वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी फाइनेंस से काम होना चाहिए था मगर ये माइनॉरिटी फाइनेंस और वक्फ बोर्ड के लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं इसमें कोई फ़ंड नहीं है और कोई फ़ंड मांगे तो भी कहीं पर भी मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं अपने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप माइनारिटीज़ को साथ लेकर चलिए जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं गंगा जमुना गंगा जमुना साथ में लेकर चलिए तो आपका तेलंगाना बंगारू तेलंगाना होगा वरना ये बंगारू तेलंगाना नहीं चलेगा हाल ही में अब जैसा कि मैनाबाद में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार करकर और उसको ख़त्म कर दिया गया है अभी एक हफ्ता हो रहा है अभी तक कोई एफआईआर नहीं बना उसी तरह से यूपी में एक दलित बहन का वहाँ पे भी बलात्कार होकर असमत रेजी की गई है उसको ख़त्म किया गया है और उसकी लाश तक उसके घर वालों को नहीं दिए ये कितना जुल्म है ये मोदी आ, मोदी योगी और के साहब तुम्हारा ये नहीं चलेगा ये नाटक तुम्हारा और गांधी जी आज दो अक्टूबर आज जन्मदिन है गांधी जी गांधी जी ने एक महान नेता इस मुल्क को तरक्की देने पर और आज़ादी दिलाने पर बहुत बड़ा हिस्सा लिया था और उसी तरह से और आप गांधी जी ने तीन बंदर पाल रखे थे एक बुराना देखो बुराना बोलो बुराना सुनो उस दौर में ये लोग होते ना नरेंद्र मोदी योगी के इन तीनों को बिठा कर रखते थे वो बंदरों को हकाल के फेंकते थे इसी तरीके से आप माइनॉरिटीज़ को इस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो ये माइनॉरिटीज़ के लिए कोई किस्म का मदद इमदाद कुछ भी नहीं है और इग्नोर कर रहे हैं आप ये समझ जाइए अगर से माइनॉरिटीज़ आपके साथ है तो आपकी हुकूमत रहेगी नहीं तो वरना तुम्हारी हुकूमत नहीं रहेगी और तुम्हारा ये कच्चा और लुच्चा और ये शैतानपन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है आपकी मीडिया के ज़रिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सुधर जाइए आप और इमीडिएटली उस खातूनों को जिसने कतल किया है उसको कड़ी से कड़ी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए हम कंडम करते हैं गवर्नमेंट से और इसी तरीके से हमारे ख़ास करके गांव में एक अच्छा गंगा जमना का माहौल है इसी फिज़ा को हम क़ायम करने के लिए हर वो मुमकिनाना कोशिश हमारी तरफ़ से चल रही है कर रहे हैं और हमारे गांव में दलित का कमेटी हो या शमशान का वाटिका हो हिंदूस का हम उसका भी काम कर रहे हैं इसी तरह से हम अपने के का काम कर रहे हैं और इसी तरह से तरक्की के काम करते जाएंगे और शुक्रिया सलाम अलमकुमकर हम ये चाहते हैं कि माड़गी गांव का खबरस्तान जो खुली फिजा में हैं उसमें बजनवर और कुत्ते वगैरह घुस रहे हैं इसके लिए हदबंदी के लिए हम गवर्नमेंट से हम वक्फ बोर्ड से और माइनॉरिटी uh, कॉरपोरेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए कुछ फंड इमदाद करिए ताकि वो हदबंदी का काम पूरा हो सके हमारे एच न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे वक्त पर